उसको सौ शहीदों का सवाब मिलेगा फसाद उम्मत से सुन्नत छोड़ देना और इसमें कमियों कोताही करना मुराद है और सौ शहीद के लफ्ज़ से इसकी तरफ इशारा है कि ऐसे वक्त में सुन्नत पर अमल बड़ी मशक्क़त और जद से हो सकेगा लेकिन इसकी फजीलत और सवाब बहुत ज़्यादा होगा शहीद का सवाब कितना है इसे इस फरमाने मुस्तफ़ा सल्ह वसम से समझिए चुनाचे हज़रत सदना मकदाम बिन मदी करब रदी अल्लाह तहों से रिवायत है कि शहनशाह है खोश उ सवाल बेकर हसन व जमाल दाफ रंजो मलाल साहिब जूदो नवाल रसूल बे मिसाल बीबी आमना के लाल सल्ला वसम ने फरमाया बेशक अल्लाह अज्जाजल शहीद को चे इनाम अता फरमाता है नंबर एक इसके खून का पहला कतरा गिरते ही इसकी मफफरत फरमा देता है और जन्नत में इसे इसका टिखाना दिखा देता है नंबर दो इसे आदाब कबर से महफूज फरमाता है नंबर तीन क़्यामत के दिन इसे बड़ी घबराहट से अमन अता फरमाएगा नंबर चार इसके सर पर वक़ार का ताज रखेगा जिसका याकूत दुनिया और इसकी हर चीज़ से बेहतर होगा और इसका नंबर पाँच और इसका हुरों में से बहत्तर हूरों के साथ निकाह कराएगा नंबर छः इसकी सत्तर रिश्तेदारों की हक में शफात कबूल फरमाएगा फसाद उम्मत के वक्त सुन्नत को मजबूती से तामने वालों के लिए सौ शहीदों के सवाब की एक वजह यह भी है कि शहीद तो एक बार तलवार का ज़ख्म खा कर पारा हो जाता है मगर ये बंद ख़ुदा उमर भर लोगों के ताने और ज़बानों के घाव खाता रहता है अल्लाह और रसूल अज वजल्ला वल्ला तसलम की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करता है इसका जिहाद जिहाद अकबर है जैसे इस ज़माना में दाड़ी रखना और सूद से बचना वगैरह अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सुन्नत पर अमल की तोफ़ी फरमाए और पूरी ज़िंदगी सुन्नत के साथ गुज़ारने की तोफ़ीकता फ़रमाए अल्ला अजाजल से दुआ है कि जो हदीस हमने सुनी इसे ख़ुद याद करने और दूसरों तक पहुँचाने की हमें तोफ़ीकता फ़रमाए आमीन बिजाही नबील अमीन सल्ला वसम